दीवानी न्यायालय परिसर में मंगलवार को सांप निकलने से अफरा तफरी मच गया। वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने सांप को भगाने का प्रयास किया तो वह डस्टबिन के नीचे घुस गया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से उसे डस्टबिन से बाहर निकाला गया, जो कचहरी के दक्षिणी गेट से होते हुए बाहर की तरफ भाग गया। गौरतलब है कि सावन का महीना कुछ दिनों में ही आने वाला है, जिसमें हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और उनके गले में विराजमान नाग देवता की पूजा की जाती है। कचहरी परिसर में सांप निकलने से जहां कौतूहल मच गया, वहीं सांप देखने के लिए लोग इकट्ठा भी हो गए। फिलहाल सांप ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सुरक्षित स्थान पर चला गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता ध्रुव नारायण ने कहा। मेरा नाम ध्रुव नारायण है, पूर्व महानगर अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ दीवानी कचहरी में एडवोकेट हूँ। अभी 5 मिनट बाकी था 2 बजने में, मेरे एकदम पैर के बगल से अंगूठा बच गया और इतना लंबा सांप, लगभग 6 फीट का सांप होगा, और एकदम मेरे पैर के सामने से निकला और अभी डस्टबिन में पड़ा हुआ है। वहाँ से निकलने कोशिश कर रहा, देख रहा है, आदमी खड़े हैं, पुलिस खड़ी है मारने के लिए, लेकिन वो फिर अंदर चला जा रहा है डस्टबिन के अंदर, नीचे जो है। इसलिए जो है तमाम पुलिस वाले भी मना कर रहे हैं लोगों को कि इस रास्ते मत आओ, क्योंकि कभी भी निकल के किसी को काट सकता है, जहरीला सांप है, बहुत लंबा है। इसलिए न्यायालय के भी लोग आ गए हैं और सारे वकील भी आ गए हैं, सारे पुलिस की भी काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं कि अगर निकले तो उसको किसी तरह से मारा जाए या बुला करके चिड़ियाघर के लोगों को बुला करके किसी को चिड़ियाघर भिजवाया जा, क्योंकि बहुत लंबा सांप है, एक भय का माहौल पैदा कर दिया है कचहरी में, सारे लोग डरे हुए हैं। इस स्थिति में उसका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक है जनहित में।